हर बार बताता रहता हूँ, सच्चाई बताता रहता हूँ, सच्चाई सामने लाता रहता हूँ। हो सकता है कहीं लोगों को ये चीज़ें बुरी लगें कि यार ये क्या बता रहा है, बकवास बता रहा है, बट ये रियलिटी है और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, डेली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और अगर टाइम व्हाट्सअप गाइज, दिस इज जुबैर अख्तर एंड आज के स्टूडियो में हम बात करने जा रहे हैं रियलिटी ऑफ कोटा, कोटा की कुछ रियलिटी जो हो सकता है आपको ना पता हो। और काफ़ी पेरेंट्स भी मुझे देख रहे होंगे और स्टूडेंट्स भी मुझे देख रहे होंगे, दोनों देखें और कुछ चीज़ें आपको नहीं पता चलेगी जो आपको पता नहीं होगी पहले। मेरा यही एम रहता है वीडियोज़ में कि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ, कुछ ऐसी बातें बताऊँ जो आपको ना पता हो, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपको नॉलेज मिलती रहे, आपको पता रहे, मतलब अवेयर रहे उन चीज़ों से। और कुछ ऐसे मिथ्स भी हैं जो हमने बना रखे हैं, और तो वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, मिथ्स जो कि आपने बना रखे हैं उसको तोड़ने वाला हूँ, और बहुत सी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये वीडियो मैंने किसी को भी मतलब ऐसा इसलिए नहीं बनाई कि आपको बुरा लगे, ये मैंने ऑब्जर्व किया है ये, क्योंकि मैं मेरा डेली का काम है, मतलब मैं कोटा रहता हूँ, डेली मैं ये चीज़ फेस करता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स निकल रहे हैं ग्रुप्स में, कहीं शॉप पे खड़े हैं, तो मैं ये ऑब्जर्व करता रहता हूँ, मतलब मेरा 2 साल से ये काम कर रहा हूँ, तो ऑब्जर्व मैं हर दिन ऑब्जर्व करता हूँ, और जो मुझे लगता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, उस चीज़ उस बेस पे मैं चीज़ें बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं कि रियलिटी क्या है कोटा की। एक कोटा की जो एक लाइफ स्टाइल है ना, वो बहुत फेमस हो गई है, कोटा में एक जो लाइफ स्टाइल बन चुकी है कि बच्चा आता है 2 साल 1 साल यहाँ रह के जाता है और वो बिल्कुल अकेला रह रहा होता है, उसको फ्रीडम मिल चुकी होती है, तो एक बहुत ही फेमस सी लाइफ स्टाइल बन चुकी है कोटा की। और काफ़ी स्टूडेंट्स जो कोटा आने वाले होते हैं, बेसिकली जो कोटा आ रहे हो, तो 3 टाइप के स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो कोटा आना चाहते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है मैं बताता हूँ। पहले स्टूडेंट को मैंने रखा है स्टूडेंट ए, कैटेगरी ए। कैटेगरी ए के स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि यार कोटा चलते हैं और यहाँ की लाइफ स्टाइल इन्जॉय करेंगे, पढ़ने से कोई मतलब नहीं, हाँ सिलेक्शन होगा नहीं पता नहीं, मतलब कोटा किस लिए आ रहे हैं ओनली इन्जॉय करने के लिए और यहाँ की लाइफ स्टाइल को जीने के लिए। ऐसे बच्चे कैटेगरी ए में आते हैं, ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ऐसे बच्चे आते हैं जो कि लाइफ स्टाइल इन्जॉय करना आते हैं कोटा की, और ये मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ। अब कोई चीज़, ये चीज़ गलत नहीं है कि आप लाइफ स्टाइल इन्जॉय करना आ रहे हैं कोटा की, ये गलत नहीं है, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपके जो पेरेंट्स हैं, हो सकता है वो आपको जो मनी भेज रहे हैं मंथली, वो अपने लिए कुछ चीज़ सेक्रीफाइस कर रहे हो सकता है उनको टी शर्ट लेनी हो, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं यार बच्चे को फीस भेजनी है, उसको मंथली रेंट भेजना है, उस चीज़ को सेक्रीफाइस करके आपको क्या भेज रहे हैं, मनी भेज रहे हैं, और वो सोच रहे हैं पढ़ रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, इन्जॉय कर लो। तो ये चीज़ गलत है यार, और इस चीज़ को जितना जल्दी समझ जाओ उतना बेटर है तुम्हारे लिए, और काम पर लग जाओ और पढ़ने लगो, ठीक है, मतलब अपने जो ट्रैक है उस पर आ जाओ, यही मैसेज देना चाहूँगा मैं ऐसे टाइप के स्टूडेंट्स को। तो एक कैटेगरी ए में इस टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं, कैटेगरी बी में किस टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं, वो बच्चे जो सोचते नहीं हमें पढ़ना है, हमें निकालना है सिलेक्शन, और ये सोच के कोटा आते हैं, बट कोटा आ जाते हैं, उसके बाद अपने रास्ते पे चल रहे होते हैं, लेकिन इधर उधर को देख के वो भी भटक से जाते हैं, उन्होंने कि नहीं यार इसमें मज़ा आ रहा है, ये काम करते हैं, चलो घूमते हैं आज, चलो आज बाहर कॉफ़ी पीने चलते हैं, चलो ये करने चलते हैं, चलो दिन भर ऐसे वेस्ट हो गया। औरों को देख के, वो जो कुछ बच्चे उनको देख के मिसगाइड से हो जाते हैं और वो भी वो चीज़ करने लगते हैं। तो कैटेगरी बी में इस टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं, जो कि आते हैं सोच के नहीं यार मुझे करना है, बट कहीं ना कहीं उनको इन्वायरमेंट इफेक्ट कर देता है, उनको ऐसे स्टूडेंट्स की संगत जो होती है वो बिगाड़ देती है। तो आप इस बात पे ध्यान रहे, आप जिस काम के लिए कोटा हैं, आपका एम क्या है, उसको पकड़ के रखें, उसको मत सेक्रीफाइस करें इन चीज़ों के चक्कर में, और चीज़ों को सेक्रीफाइस करें अपने गोल के लिए, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला था। थर्ड सी कैटेगरी जो है उसमें आते हैं उस टाइप के स्टूडेंट जो सोचते हैं पढ़ना है, आके भी पढ़ते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यार आप क्या कर रहे हो, वो अपना पढ़ रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स देखें, छोटा सा फ़ोन होता है उसको भी ठोक पीट के चलाते रहते हैं, अगर टच फोन भी होता है तो उसको पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, और दिन रात लगे रहते हैं कि बस अब तो जुनून में कि निकालना है, और ऐसे स्टूडेंट निकाल लेते हैं अपना एग्जामिनेशन। तो ये 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया है। इसके बाद कुछ मिथ्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं जो अभी बाहर हैं, अभी कोटा नहीं आए, वो ये सोचते हैं एक बार कोटा पहुँच जाएँ फिर तो सिलेक्शन पक्का है।
इस तरीके की उनकी मेंटल थ्रोट होते हैं कि एक बार कोटा पहुंच जाए उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा, एक बार एलएन में एडमिशन हो जाए, एक बार रेजोनेंस में एडमिशन हो जाए, एक बार इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाए, बस अब तो सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कोटा आना और किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना, ये आपके सपने के प्रति पहला स्टेप होता है। क्या होता है? पहला स्टेप। एडमिशन लेने से ही, एडमिशन लेने से या कोटा आने से ही आप डॉक्टर या आईआईटीएन नहीं बनोगे। आपको डेली एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, डेली क्लास अटेंड करना, क्लास में आगे बैठना, पीछे इसलिए नहीं बैठना क्योंकि बहुत भीड़ रहती है और पीछे बैठोगे तो दिखेगा नहीं, ए को बी लिखोगे, बी को सी लिखोगे, आगे पहले पहुंच के आगे बैठना। होमवर्क जो क्लास में नहीं समझ में आया उसको डाउट काउंटर पे जाके पूछना, डेली का होमवर्क करना, डेली सेल्फ स्टडी करना, रिविजन करना, ये डेली का प्रोसेस आप 365 डेज जब फॉलो करते हो तब जाके सिलेक्शन होता है। कोटा आने से सिलेक्शन नहीं होता। कोटा में तो लाखों बच्चे एडमिशन लेते हैं, क्या लाखों सीट्स हैं? तो कोटा आने से ही सिलेक्शन नहीं होता, एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, कुछ नई चीज़ें बताने की कोशिश की है। हर बार बताता रहता हूँ, सच्चाई बताता रहता हूँ, सच्चाई सामने लाता रहता हूँ। हो सकता है कई लोगों को ये चीज़ें बुरी लगें कि यार ये क्या बता रहा है, बकवास बता रहा है, बट ये रियलिटी है और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, डेली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और अगर टाइम निकाल के थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पे कितनी सारी वीडियोस डाल दी हैं चेकआउट करें, पूरा चैनल का मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो ये चीज़ें करें यार, चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें ताकि हम भी ग्रो हों, आप लोगों को काम का कंटेंट दे ही रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ने में। आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, पता नहीं, सोचा नहीं था कि इतना सपोर्ट करोगे आप लोग, लेकिन कई लोग इतना अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। कुछ कमेंट्स में शॉर्ट आउट्स भी कर दूंगा लास्ट में, ठीक है।